Hari Darshan, of course, have progressed from. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपका दोस्त गुलजार आज आपको लेकर आया हूँ दिल्ली सुंदर नर्सरी में। दोस्तों तो यहाँ लगा हुआ ई ट्रेंड सुगंधी फेस्टिवल, या इसे मेला भी बोल सकते हैं दोस्तों, ये दिल्ली टूरिज्म की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। और इसमें दिखाने वाले हैं हम आपको इत्र और सुगंधित से संबंधित सारी चीज़ें, के एसेंशियल ऑयल भी इसमें कुछ इत्र भी हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या बेसिकली दिखाने की कोशिश करी है, वो सारी चीज़ें हम आपको अंदर चल के दिखाने वाले हैं आज के फेस्टिवल के अंदर। और बाकी सारी चीज़ें बताएंगे कि यहाँ पे आप कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ का नियरस्ट मेट्रो स्टेशन क्या है। वैसे फ़िलहाल ये 3 दिन के लिए लगाया गया है, 17, 18, 19 तारीख, और 3 दिन के बाद ये ख़त्म है, 19 तारीख लास्ट डेट है इसकी। तो चलते हैं आपको अंदर चल के दिखाते हैं। वैसे भी अगर आप ये मेला ख़त्म हो जाए दोस्तों, तो सुंदर नर्सरी को घूमने के लिए आ सकते हो। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी और लाजवाब जगह। अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ ये सुंदर नर्सरी का एक हिस्सा है, और ये भी काफ़ी खूबसूरत और अच्छा, क्योंकि यहाँ आपको एक से फूल पौधे और अलग अलग तरह की किस्म की, ये समझ लीजिए पेड़ फूल फ्लावर, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं आप। और मैं अपनी एक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप पूरा सुंदर नर्सरी को उसमें देख सकते हैं किस तरीके से क्या है घूमने के लिए। तो दोस्तों बने रहिएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको पूरा डिटेल में क्या होने वाला है यहाँ पे किस तरीके से। दोस्तों ये है टिकट काउंटर, यहाँ से आपको 50 रुपीज़ की टिकट लेनी होगी इत्र फेस्टिवल में जाने के लिए, या फिर आप सुंदर नर्सरी भी घूमने जा रहे हैं तो भी। और यहाँ आने का टाइम है सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक, और वैसे फेस्टिवल जो स्टार्ट हो रहा है वो दोपहर के 12 बजे से रात के 10 बजे तक का टाइम है उस फेस्टिवल। दोस्तों ये आप देख रहे हो अंदर से पार्क का व्यू है। तो अंदर चलते चलते आपको बता दूँ, सुंदर नर्सरी पहुंचने के लिए आपका नियरस्ट मेट्रो स्टेशन जंगपुरा का पड़ेगा दोस्तों। जंगपुरा से आप बैटरी रिक्शा या ऑटो करके यहां तक पहुंच सकते हो, और यहां बाय बस भी आ सकते हैं अपनी कन्वेंस आएंगे तो। यहां पार्किंग का भी इंतज़ाम है, सुंदर नर्सरी के अंदर भी वैलेट पार्किंग आपको मिल जाएगी, साथ ही बाहर भी एंट्री पॉइंट पर भी पार्किंग है सब्ज बुर्ज के पास में। और यहाँ से अंदर चलते हैं। ये आप देख रहे हैं दोस्तों इत्रेन सुगंधी फेस्टिवल, ए फ्रेग्रेंट फेस्ट ऑफ डेलिटीज़। 17 से 19 मार्च तक के लिए सुंदर नर्सरी निज़ामुद्दीन के हुमायूं टॉम में, इसका टाइमिंग 12 बजे से रात के 10 बजे तक है। हाईलाइट्स इन्होंने दे रखे हैं, सेल्स एंड डिस्प्ले ऑफ परफ्यूम, इत्र और एसेंशियल ऑयल, अदर फ्रेग्रेंस प्रोडक्ट, और डेलिकेटेबल फूड स्टॉल्स हैं यहाँ पे। प्रोग्राम भी होने कुछ, देखिए 17 तारीख को कव्वाली है बाय निज़ामी ब्रदर्स, 18 को गज़ल है बाय डॉक्टर रोशन भाटी, एंड 19 को परफॉर्मेंस है बाय नूरानी सिस्टर्स। तो ये तो रहा आगे का, फ्रंट डोर पे जो लिखा हुआ वो मैंने आपको बताया। सो यहाँ से अंदर एंट्री है, और यहाँ से हम अंदर चलते हैं। फूड स्टॉल्स भी लगे हुए हैं अंदर, और इत्र परफ्यूम की प्रदर्शनी तो है ही, साथ में सेल्स भी है यहाँ काउंटर पर। और दोस्तों ये देख रहे हैं आप, ये फ्रेग्रेंट रिलेशन विद G20 कंट्री, जो हमारे देश में 20 ग्रुप्स है कंट्रीज़ का अलग अलग, जिसको बना गया है G20, उनके सारे डिटेल यहाँ दिए हुए हैं। साथ ही अंदर आएंगे तो आपको इस तरीके का फेस्टिवल आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे अलग अलग कंपनीज़ है, और अलग अलग हैंडीक्राफ्ट कुछ बने हुए अगरबत्ती वगैरह भी डिस्प्ले की गई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। तो सारी एक एक करके आपको दिखाते हैं यहाँ पर, और डिटेल में पूछने की कोशिश करते हैं उनको इसके बारे में। ये देखें आप, थोड़ा सा व्यू आप देख रहे हैं यहाँ का। सर ये कांडी और फुरेरी, जो पहले ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड था लगाने का इत्र, कि लोग फुरेरी बना करके इसको कान के पीछे लगाते थे, तो जैसे पहले वो स्प्रे नहीं होते थे लोग, तो वही यहाँ प्रदर्शनी में दिखाने के लिए है कि लोग किस प्रकार ये फुरेरी, जैसे कि ये रुई से और ये सींक से बना लिया जाता है, इसको फुरेरी बोलते हैं, इसको कांडी भी बोलते हैं फुरेरी बोलते हैं। तो इसको ये स्टिक में और रुई से बना लिया जाता है, और उसको फ्रेग्रेंस में किसी भी इत्र में उसको डिप करके लगा लेते हैं। पहले लोग इसको डिप करके और ये पीछे ऐसे लगा लेते थे, तो ये पुराना मेथड है लगाने का
कांडी इत्र लगाने का, अब तो इतने सारे आ गए हैं। तो ये स्टॉल भी यही दिखाने में था पर्पज़ कि अपना ओल्ड मेथड क्या था। और यहाँ वेलकम के लिए हर दिन एक नया इत्र लोगों को दिया जा रहा था, जितने भी लोग आ रहे हैं उनको स्मेलिंग के लिए कि आज ये केवड़े का है या मिट्टी का इत्र है या जासमिन का है या गुलाब रोज़, शुरुआत में पहले दिन दिया गया था। इस तरह सब लोगों को दिया गया है। तो हम लोगों की टीम जो है इंस्टीट्यूट फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस डेवलपमेंट सेंटर, तो ये पूरा कंडक्ट कर रही एक लाइन से। सभी हमारे क्लासमेट हैं, सभी लोग एक इस कार्य में काफ़ी मदद किया है। और ये सर दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर है या? हाँ, ये स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में है, वो इसके साथ में पार्ट नॉलेज पार्टनर के रूप में इसमें थोड़ा हम लोग करते हैं। माइक्रो एम कन्नौज जी। अभी जैसे कि आपने ये स्टिक्स वगैरह रखी हुई जिन्हें हम देख रहे हैं, जी जी जी, तो खाली ये इसमें आप डिप करके चेक करा रहे हैं लोगों को या कुछ अलग से दे भी रहे उन्हें? नहीं, ये उनको दे रहे हैं, मैंने चेक नहीं करा रहे, उनको वेलकम के रूप में सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको डेमोंस्ट्रेशन के लिए ओनली, नॉट सेलिंग, सेलिंग पर्पस से नहीं, सबको एज अ वेलकम कि जो लोग कि ये इत्र मेला है आप इसमें आए, इसका पर्पस ये भी है, तो रोलर भी आ रहे हैं बहुत सारे, इसका पर्पस एक ये भी है कि जो लोग इसमें आ रहे हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको ये चीज़ दिया जा रहा है कि आप इसमें आए, आपको ये प्रेरी दी जा रही है, स्मेल करते रहिए, इत्र मेला है, एक ऐसी पर्पस। यहाँ भी फ्रेग्रेंस ऑयल वगैरह हैं, तो ये इत्र है या ऑयल है? सर बेसिकली ये एसेंशियल ऑयल है, ये फ्रेग्रेंसेस और ये फ्लेवर्स आप बताइए हमारे। हेलो सर, मेरा नाम मंजन है और मैं FFDC कन्नौज से आया हूँ। बेसिकली FFDC एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जो आपको सिखाता है फ्रेग्रेंस और फ्लेवर क्रिएशंस कैसे होती है, उसी के साथ हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई इंडस्ट्री सेटअप करना है तो हम उसमें भी हेल्प करते हैं आपकी, और यहाँ पे हम उसी के लिए हम यहाँ पे नॉलेज पार्टनर्स हैं। अगर आपको किसी भी फ्रेग्रेंस और फ्लेवर फील्ड में अगर किसी भी लाइन में जाना चाहते हैं तो आपके लिए हम यहाँ पे हेल्पफुल रहेंगे। बेसिकली सर यहाँ पे एसेंस ऑयल है, फ्रेग्रेंसेज है, फ्लेवर्स है जो हमारे द्वारा क्रिएट किए गए हैं। सर यहाँ पे आप जब जम करते हैं, ये है सर अगरवुड के बेसिस पे 5 फ्रेग्रेंस बनाए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा के लिए, जो कि अगरवुड को आगे लाना चाहती है। इन सब के बेस ऑयल में सर अगरवुड का तेल है और उसके ऊपर फ्रेग्रेंसेज बनाई गई है, और ये Level 1 Level 2 किट्स है सर। बेसिकली इन्हीं किट की वजह से हम सर आपको सिखाते हैं कि फ्रेग्रेंस और फ्लेवर क्रिएशंस कैसे होती है। जी सर, सारे ऑयल्स हैं? नहीं सर, ये एरोमा केमिकल्स हैं, इनके मिक्स करके आप फ्रेग्रेंस बना सकते हैं, फ्लेवर्स बना सकते हैं। अभी यहाँ पे लोगों को बना के भी दिखा रहे हैं और? हाँ सर, बेसिकली हमारे यहाँ पे 7 स्टॉल लगी हुई है। आप पहले से आएंगे तो आपको कांडी देंगे, सेकंड में आपको ऑन द स्पॉट परफ्यूम, मतलब 3 मिनट में आपको आप जो बोलेंगे वो परफ्यूम बना के देंगे। उसके बाद आपको अगरबत्ती रोलिंग, जहाँ पे अगरबत्ती आपको हाथ से बना के दिखाई जाएगी। उसके बाद में है सर आपका यहाँ पे क्लेवेंजर अप्रेटस, जहाँ पे आपको एसेंशियल ऑयल निकाल के दिया गया है, ये आपका मेन स्टॉल है। उसके पास में एरोमा थेरेपी है, फिर गुलकन का स्टॉल है, उसके बाद में रोज़ वाटर लगा हुआ है सर, जहाँ पे आपको ओरिजिनल रोज़ वाटर आपको लाइव दिखाया जाएगा डेमोन्स्ट्रेशन के साथ में। हाँ सर, और एसेंशियल ऑयल स्टोर करने के लिए कुप्पियाँ यूज़ की जाती थी। अच्छा, कुप्पियाँ ये ऊँट के चमड़े से बनती है, ऊँट के चमड़े की, ऊँट के चमड़े से। बहुत जैसे आप ये प्रोसेस देख सकते हो, ये फर्मा, इसको फर्मा कहते हैं, फर्मा पे ये चमड़ा चढ़ाया जाता है, चढ़ाने के बाद ये चमड़े का ही पेस्ट है, इससे जो खाली जगह होती है वो भरी जाती है, और ये जो मूंग की पेस्ट है इससे चिकनापन या फिर फिनिशिंग दी जाती है, और फिनिशिंग देने के बाद हमें ऐसी बॉटल मिलती है। ये वाली बोतल, अत्तर वालों का ऐसा मानना है कि जब तक मतलब जो हमारा एसेंशियल ऑयल या फिर अत्तर है, जब तक वो कुप्पियों से होकर नहीं आता है तब तक उसमें जान नहीं है। तो जो भी मैंने फैक्ट्रीज वगैरह विजिट किए कन्नौज में अत्तर बनाने की, उनका अत्तर देख भपके से बनने के बाद वो कुप्पियों में मैचुरेशन के लिए उसको स्टोर करते हैं, और फिर बाद में वो बीच में बेकने के लिए जाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस कुप्पी बनाने का जो आपने दिखाया, ये कुप्पी बनाने, अब तो ये चलती नहीं होंगे, अब तो गिलास वाली शीशियाँ जो होती हैं। यस एग्जैक्टली, तो मैं उस पर भी आता हूँ। जैसे लोगों ने अडॉप्ट करना चालू, लाइक लोगों ने ग्लास और SS पे शिफ्ट होना चालू किया है, पर तभी भी जो पुराने अत्तर वाले हैं सर वो अभी भी ये कुप्पियाँ लेते हैं। उनको मार्केटिंग का ज़रूरत नहीं, आप समझ सकते हो कि उनका क्या लेवल पे बिजनेस चलता होगा ये कुप्पियों का। जो क्वालिटी में मानते हैं वो अभी भी कुप्पियों में ही उसको स्टोर करते हैं और उसके मैचुरेशन के लिए। क्या है, इत्र है या ऑयल है? मैं, हमारा यूट्यूब पे चैनल है देश रंगीला, देश रंगीला जी। मैम थोड़ा सा लोगों को ये कि इन्फॉर्म हो जाए, क्योंकि लोगों को इतना पता नहीं है मालूम, तो हमारी कोशिश है कि लोगों को थोड़ा सा पता चले। मालूम लोगों को
खुशबू के बारे में तो बहुत है, लेकिन हाँ ऐसा इवेंट के बारे में इवेंट लगता है, इवेंट के बारे में नहीं पता होगा। जी जी जी, ये बेसिक हंसी मजाक का ही फेयर बोलेंगे, बट ये काउंटर थोड़ा सा डिफरेंट है जो आपने मेले में देखा होगा। डिफरेंट क्यों है मैं बताती हूँ। मैं दोस्तों आपको दिखाते हैं कि गुलकंद को कैसे बनाया जाता है, क्या है रोज़ वाला जो होता है ना, जिसे आपने देखा होगा उस टाइप से, तो क्या चीज़ है उसको पूरा डिटेल में देखते हैं। उसकी मैक अंदर जो गुलाब की पत्तियां होती हैं, चीनी होती है, उसको ये पीसने का काम होता है इसके अंदर। देख रहे हैं बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं लट्ठ सा रखा हुआ है, डंडा सा, इसे मूसली बोलते हैं बेसिकली तो ये, और नीचे वाली का जो है बनाया ओखली। तो ये इस तरीके से गुलकंद मेकिंग प्रोसेस है, जो कि एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है, और हम लोग वहाँ पे बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज कराते हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत सारे होते हैं। आप वहाँ पे अगरबत्ती बनाना, गुलकंद, धूपबत्ती, हवन सामग्री, परफ्यूमरी का इंडिया में सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट है FFDC, फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कन्नौज में, तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते कोई भी। और बाकी गुलकंद बनाना मैं बता देता हूँ आपको, एक वैरायटी होती है रोज़ की, रोज़ सेंटिफोलिया, इसकी पेटल्स ऐसी होती हैं पिंक कलर की, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं तोड़ लेते हैं फूलों को और पेटल्स निकाल लेते हैं, फिर उसको धो लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं, ठीक है, साफ़ करने के बाद फिर उसको धूप में रख देते हैं थोड़ा सूखने के लिए, जिससे कि उसका पानी इवेपोरेट हो जाए, ठीक है। फिर उसको पेटल्स को कलेक्ट करके किसी भी लकड़ी के पॉट में, कोई भी बर्तन हो जैसे कि ऐसे कूटने वाला, ठीक है, लकड़ी में ही बनाना है, और फिर उसको पेटल्स को डाल देते हैं, और 1:1 के रेशो में चीनी, शुगर ले सकते हैं आप, गुड़ ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं, स्टीविया लीव्स ले सकते हैं, हनी ले सकते हैं, ठीक है, आप किसी में भी बना सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। तो पेटल्स को और शुगर को 1:1 के रेशियो में डाल के उसको क्रश करना है, लगभग 30-40 मिनट के अराउंड, जब तक शुगर मेल्ट नहीं हो जाती, ठीक है। क्रश करने के बाद आपको उसको एक ग्लास जार में ले लेना है, उसको निकाल के उसमें डाल दीजिए, फिर आप उसको 5-6 दिन के लिए धूप में रख दीजिए, ठीक है। धूप में रखने के बाद फिर आप उसको खा सकते हो, 5-6 महीने तक वो रुका रहेगा, कोई प्रिजर्वेटिव डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि शुगर होता है, शुगर एज ए प्रिजर्वेटिव काम करता है। और हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज कराते हैं, जैसे कि अभी Level 2 स्टार्ट होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होंगे ये, इसकी फीस 17,000 है, जिसमें हम आपको 5 फ्रेग्रेंस एंड 5 फ्लेवर बनाना सिखाएंगे, ओके। इसमें मेंशनड है रोज, जैस्मिन, लिलैक, लिली ऑफ द वैली, कार्नेशन, और फ्लेवर में रोज, वैनिला, बनाना, केवड़ा, कोकोनट, ये सभी फ्लेवर आप। तो ये ट्रेनिंग का दिल्ली की कन्नौज? नहीं, कन्नौज में सर, ये सारा कुछ कन्नौज में होता है। इनके कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी वगैरह, अगर किसी को कॉन्टैक्ट करना हो तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इनसे, ट्रेनिंग के लिए और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई इंक्वायरी हो सारी चीज़ें। लाइटिंग जल चुकी है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं, देखते हैं। ये सामने देख रहा हूँ अत्र मैन्युफैक्चरिंग बाय देव भाप का, देख भाप का नाम है ये, ये सर रोज वाटर है, नेचुरल बनाने का तरीका है, वो ये तरीका है। इसमें वो रोज वाटर रखते हैं, इसमें क्या नहीं, नहीं, रोज वाटर किसी में रखते हैं, रोज पेटल्स होते हैं ना, उसको इसमें डालते हैं, वो इसमें डाल देते हैं। जी जी, आप देख लिया ना, जी पेपर्स आते हैं, पेपर फुल कंडेंस करते हैं, कंडेंस करने के बाद जब वो लिक्विड फॉर्म में उसमें कलेक्ट हो जाती है, ओके, यहाँ पर रोज जो लिक्विड कलेक्ट होता है उसको रोज वाटर बोलते हैं। ऑयल कंटेंट भी होता है और रोज फ्लोरल वेस्ट भी होता है, जो फ्लोरल पार्ट होता है उसको रोज वाटर करते हैं और उसको फ्रैक्शन के साथ अलग कर लेते हैं, वो ऑयल एसेंशियल ऑयल बोलाते हैं, रोज ऑयल बोलते हैं। इसकी प्राइस 80 रुपीज़ है दोस्तों। थोड़ा सा बता दें हमें कि इसका क्या यूज़ है, तो क्या ये ड्राई स्टिक्स रहते हैं, इसमें बहुत सारे फ्रेग्रेंस हम ऑफर करते हैं, रोज़ है, सैंडलवुड है, पाइनएप्पल है, मस्क है, लैवेंडर है, तो ये रेडी, आप इसको सीधे स्टैंड पे लगा के लाइट कर सकते हैं। एक स्टिक आपकी 30-40 मिनट्स बर्न करती है और रूम के अंदर काफ़ी प्लेजेंट अरोमा रहता है। इसके अलावा हम लोग हवन सामग्री बनाते हैं, चंदन टीका बनाते हैं, जैसे ये चंदन टीका रहता है, चंदन टीका रहता है जी, ये केसर चंदन रहता है, इसको आप फोरहेड पे अप्लाई करते हैं तो आपको एक कूलिंग सेंसेशन महसूस होता है।
ये स्टिक इस तरीके से, ये ट्राइस्टिक कोई वाली है, ट्राइस्टिक ये वाली थी ना, ये 100 ग्राम का होता है, 100 ग्राम का जार होता है, इसके अंदर स्टैंड, इसके अंदर इंक्लूसिव होता है और साथ में एक रोली का पैकेट फ्री देता है। रोली का पैकेट फ्री जी। ये दिल्ली के अंदर आपका, दिल्ली हमारा गाजियाबाद में है, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है हमारी, दिव्या इंसेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हमारी फर्म का नाम है और शुद्धि के ब्रांड से हम लोग अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये अलग अलग काफ़ी अच्छे परफ्यूम्स वगैरह आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे, देखें। यहाँ भी स्टिक्स में आपको एसेंस वगैरह मिल जाएंगे, इंसेंस स्टिक्स हैं सारी, ये देख रहे हैं आप, अलग अलग से फ्लेवर में, अलग अलग खुशबू में आपको मिल जाएंगी सारी। ये सारी जो देख रहे हैं आप, ये सारी धूप स्टिक हैं, वैसे काफ़ी हाई वॉइस में पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल चुका है तो आवाज़ आना हमारी इतनी पॉसिबल नहीं रहेगी आपको, फिर भी मैं तेज़ बोलने की कोशिश करूँगा। और ये देख रहे हैं सारा कुछ, ये भी एसेंस के लिए, इसको भी लोग घर पे दिए की तरीके से जला के खुशबू वगैरह मिल जाती है। देखें मैम क्या प्राइस है इसका? ओके 450 का है, आपको 400 में मिल जाएगा। रू रोज रोज का एसेंशियल ऑयल है, सेठ ब्रदर्स परफ्यूम प्राइवेट लिमिटेड वालों का स्टॉल है वाला, आप देख रहे हैं सामने, इनके भी अलग अलग तरीके के परफ्यूम आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। फिलहाल तो अभी हम जहाँ देख रहे हैं, देखिए अनंत ज्ञान, ये अनंत ज्ञान वालों का स्टॉल है यहाँ पे, आप देख रहे हैं धार्मिक रिलेटेड है यहाँ पर इनका, और प्लैनेट ऑयल्स वगैरह भी हैं, जन्म पत्रिका भी बनाते हैं ये लोगों की, और ज्योतिष आचार्य रामेश्वर शर्मा जी हैं, इनका टाइमिंग वगैरह दे रखा है इन्होंने, ये देखेंगे आप सारी चीज़ें। ये सारी धूप बत्ती हैं, ये मैम ये क्या है? ये सूर्य अर्घ्य, सूर्य सूरज को चढ़ाने के लिए। ओके, ये भी वही चीज़ है जी सर, ये प्लैनेट ऑयल है, इसकी जो जगह है सर घर में जो जलाने के लिए 43 डेज इसका कोर्स होता है सर, ये एसेंस है सर, ये नज़र दोष के लिए, बच्चों को बड़ों को नज़र लगती है तो रूम में स्प्रे करने होते हैं सर, नज़र दोष के लिए स्पेशल है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं है, बहाने करते हैं तो स्पेशल स्टूडेंट के लिए स्प्रे हमने बनाया है ताकि उनका पढ़ाई में मन लगे। ये वास्तु का है, घर में कहीं ना कहीं वास्तु का दोष होता ही है, सीढ़ियाँ इधर गई, गेट उधर गया, नहीं तोड़ फोड़ पाते तो उसके लिए फिर हमने वास्तु का ये एसेंस बनाया है, ये हम स्प्रे करेंगे पूरे घर में। काफ़ी सारे ऑयल्स सर, ऑयल्स में और परफ्यूम्स वगैरह दोनों डील करते हैं सर? हम लोग कल्टीवेशन करते हैं, हम लोग उत्तराखंड से हैं। ओके। और हम लोग ये कल्टीवेशन करते हैं बहुत सारे ऑयल्स की, और उससे हमने मूड एनहेंसिंग ब्लेंड्स बनाए हैं जो किसी भी मूड को इन्हेंस करने में बड़ा हेल्पफुल होता है, और इसी तरह हमने परफ्यूम्स भी बनाए हैं, और इसी तरह हमने रोल ऑन्स, परफ्यूम्ड रोल ऑन जिसे अतर आम भाषा में कहते थे, वो भी बनाए हैं। जनरली हमारे एसेंशियल ऑयल ड्रिवन प्रोडक्ट्स हैं और उसी से हमने सारी चीज़ें ड्राइव करी। कुछ कुछ जैसे ये आप दिखा सामने दे रखा है, ये ऑयल्स हैं, परफ्यूम है, ये ऑयल्स हैं सर, ये ऑयल्स हैं किसी मूड को इन्हेंस करने के लिए, मैंने आपको बताया जैसे आप खुद इसको देख सकते हैं, आप अगर स्मेल करेंगे आपको बड़ा तेज लगेगा, ये एनर्जी लेवल को एलिवेट करने के लिए, ऐसे ही आप देखेंगे कि ये आप इसको देखेंगे, देखिए बड़ा रिलैक्सिंग और हमको वैसा लगेगा आराम देने के टाइप से, तो ये हमारे इस पर्पज से बने हैं। ऐसे ही हमारे ये परफ्यूम्स बने हैं जो कि अगेन अर्थी स्मेल्स और अर्थी प्रोडक्ट से डिसाइफर्ड। देश रंगीला, देश रंगीला नाम तो सुना सा लग रहा है मुझे। अच्छा, ये सर का कार्ड है और इस पे सर का कांटेक्ट नंबर वगैरह है, इसमें अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। कहाँ रहते हैं? जामा मस्जिद रहता है ये। जामा मस्जिद रहते हैं, अरे ये तो शर्मा गए। तो
यहाँ आप देख रहे हैं लोग काफ़ी भीड़ लगी हुई है सामने वाले स्टॉल पर। यहाँ पे कोई ज्वेलरी आइटम भी आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे, तो लेडीज़ काउंटर है तो इसीलिए लेडीज़ की भीड़ ज़्यादा यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल रही होगी। अंदर में कुछ ज्वेलरी वगैरह भी डिस्प्ले की हुई है उन्होंने, ये देखिए। बहुत बढ़िया, हम लोग पहुंच गए दोस्तों हरि दर्शन। तो ये सामने वाला काउंटर आप देख रहे हैं, ये हरि दर्शन वालों का है, जिनकी धूप अगरबत्ती वगैरह और ऑयल परफ्यूम्स ये सारी चीज़ें आती हैं मार्केट में आपको देखने के लिए मिलती होंगी। ये देखिएगा पूजा पाठ में भी इस्तेमाल होती हैं बहुत ज़्यादा, ये वो सारे प्रोडक्ट इनके यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सामने वाला है गुलाब सिंह जौहरी मल जी का काउंटर, तो यहाँ भी वही सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं आपको। थोड़ी सी झलक आपको दिखाते हैं यहाँ की भी, ये देखिए ये सामने जो देख रहे हैं आप, ये सारे इंसेंस ऑयल्स हैं, सबके अलग अलग वैरायटी और अलग अलग स्मेल आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये धूप बत्ती अगरबत्ती वगैरह सारा सब कुछ वही प्रोडक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहीं से बता देना, ज़्यादा पास जाके दिखाओगे क्या? तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बीच में खाना खजाना फेस्टिवल, तो यहाँ पे लगा हुआ है मतलब इंसेंस फेस्टिवल के अंदर दोस्तों हम आए, तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं सारे जगह फूड स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस जो स्टेज पर हो रही है उसके लिए यहाँ पे स्क्रीन लगाई हुई है, तो यहाँ स्क्रीन पे लोग देख रहे हैं। तो फिलहाल आपको चलते हैं और दिखाते हैं कौन कौन से स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं। ये देखें, ये इस बीच में बनाया हुआ इन्होंने सीटिंग एरिया, तो लोग यहाँ बैठ के फूड को एंजॉय कर रहे हैं अपने वहाँ से लेकर आए काउंटर से, और सेल्फ सर्विस है दोस्तों यहाँ लाकर आप एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए सारे में चारों तरफ आपको सामने सामने सारे स्टॉल देखने के लिए मिल जाएंगे। ये भैया चटकारा चांदनी चौक का फ्रॉम द हाउस ऑफ नत्थूराम जी का स्टॉल है, और काफ़ी सारी चीज़ें इनके यहाँ देखने के लिए मिलेंगे, और ये चाट भी है यहाँ पर दौलत की चाट, और यहाँ पे डोसा इडली काफ़ी सारे आइटम है देखेंगे, मूंग दाल का चीला भी बन रहा है, ओल्ड दिल्ली की स्पेशल काठी का और रुमाली रोटी। यहाँ पर आपको कुछ और तरीके का रेडीमेड फूड मिल रहा है देखने के लिए, देखिए हेल्दी स्नैक्स वगैरह हैं, ये नमकीन वगैरह इन्होंने लगाई हुई है कुछ, और सीड्स हैं ये सारे हेल्दी सीड स्नैक्स, कबाब वबाब चिकन बिरयानी और शीरमाल वगैरह देखने के लिए मिलेगा ये सारा। देखिए यहाँ पे श्री भगवती जी कैटर्स का है, दाल मखनी वगैरह लच्छा पराठा मक्का की रोटी सरसों का साग, ये सारा सब आइटम यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये देखिए यस सारा जी, तो दोस्तों यहाँ मिल रहा है वड़ा पाव, साथ में अलग अलग फ्लेवर के, देश रंगीला चैनल का नाम है, साथ में अलग अलग फ्लेवर के आपके यहाँ जूसेस वगैरह भी मिलने वाले हैं, शेक मिल रहे हैं। ये देखिए साथ में भाई वाह, यहाँ पे तो मिल रहा है चिकन शोरमा, भैया चिकन शोरमा बना रहे हैं क्या? क्या प्राइस है सर इसका? 300 300 का चिकन शोरमा। ये देखिए अल माहिर मुगलई फूड्स, इनका भी वही आपको नहारी वारी चिकन कोरमा वगैरह और ये चिकन नहारी सारी चीज़ें मिलेंगी अल माहिर फूड्स, ये काफ़ी जगह पे देखने के लिए मिल जाते हैं हमें, और ये राजस्थानी है ROS, ऐसी स्वाद मिलेगा यहाँ पे आपको, वड़ा पाव वगैरह और भाजी वाजी ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। देखिए कचौड़ी, मीठी कचौड़ी, नमकीन कचौड़ी, दाल की कचौड़ी, मिर्ची विर्ची, बर्गर, जलेबी, मिर्ची वड़ा वगैरह सारी चीज़ें, वी देसी या चाय वगैरह मिल रही है, पोटैटो ट्विस्टर, मॉकटेल, दबेली स्वीट, हस्सी, पास्ता, ये सारा देख रहे हैं आप इनका, ये सब चीज़ शिमला, मैं
आपके सामने बिल्कुल हू बहू खड़े होकर आपको परफ्यूम बनाकर दिखाया, किसी ने गुलकंद बनाकर दिखाया, किसी ने रोज ऑयल भी बनाकर दिखाया, तो ये कितनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी उपलब्धि। जहाँ जहाँ से आए हैं अपने साथ में ये सब लेकर आना और फिर आप लोगों को दिखाना। A warm welcome to you, ma'am. Let's put our hands together for CEO and MD, DTTDC, Ms. Niharika Rai. Very, very warm welcome to you, ma'am. We start with a big thanks to Hari Darshan. जोरदार तालियां। ये तो वो नाम है मेरे ख्याल से हम सब बचपन से देखते आ रहे हैं। घर में पूजा होती है तो हरि दर्शन जरूर होता है वहां पर। एक बार जोर से तालियां बजाइए प्लीज। And Hari Darshan, of course, have progressed from the age-old presence of Hari Darshan now to a newer version of themselves, which is Inato. A lot of you have seen that new brand. Yes, no, ladies, I'm sure you'll be able to acknowledge that brand. So congratulations, sir. Thank you for being a part of this Itra and Suganti festival. और अब वो नाम जिन्हें हम चांदनी चौक से पता नहीं कितने ही सौ सालों से जानते हैं, 200 साल से दिल्ली की फिजाओं में खुशबू फैला रहे हैं। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर गुलाब सिंह जौहरीमल। बहुत रेयर होता है कि पीछे 200 साल का इतिहास सिर्फ हवाओं में खुशबू फैलाने का, इत्र की खुशबू फैलाने का हो। बहुत बहुत बधाई। एंड Oh,